हेलो एवरीवन वेलकम टू वे विजडम देखिए जब भी हम प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स की बात करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं लेकिन एसबीआई जो एक लीडिंग क्रेडिट कार्ड इश्यूअर्स में से एक है उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है और वो इसलिए हो सकता है कि एसबीआई कार्ड का जो पोर्टफोलियो है वो वैसे तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें जो प्रीमियम कार्ड है वो काफी लिमिटेड है और उनका मोस्ट पॉपुलर प्रीमियम कार्ड है एस बी कार्ड तो इस वीडियो में हम इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट्स का डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे की बाकी बैंक के प्रीमियम कार्ड्स के कम्पेरिजन में ये कितना सही है तो शुरुआत करते हैं इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी के साथ तो इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी फोर ट्रिपल नाइन प्लस टैक्सेज है लेकिन इसकी जो रिन्यूअल फी है वो वेव ऑफ हो जाती है अगर आप एक साल में दस लाख रुपए तक का खर्चा इस कार्ड के थ्रू कर लेते हैं तो अब अगर इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट की बात करें तो आपको इसमें पांच का वाउचर मिल जाता है और ये वाउचर आप यात्रा हर्ष पपीज पैंटलून्स शॉपर स्टॉप और आदित्य बिरला फैशन में से किसी का भी चूज कर सकते हैं आदित्य बिरला का वाउचर आप लुई फिलिप पीटर इंग्लैंड एलन सोली प्लेनेट फैशन और साइमन कार्टन में भी यूज कर सकते हैं ज्वाइनिंग फी पे करने के बाद पंद्रह तो बात, तो तो बात करते हैं इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेस्ड बेनिफिट की तो इस कार्ड में आपको बुक माई शो में एक महीने में दो मूवी टिकट मिलती है अपू रूपीज टू फिफ्टी अगर आप एक, -एक करके फ्री टिकट को बुक करवाना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते हैं अब अगर हम इस कार्ड में डोमेस्टिक डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स की बात करें तो एक क्वार्टर में आपको दो कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स मिलती हैं और साथ में प्रायोरिटी पास के थ्रू साल में छह कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज एयरपोर्ट लाउंज विजिट्स भी मिलती हैं लेकिन ओवरसीज लाउंज विजिट्स भी आप एक क्वार्टर में सिर्फ दो बार ही अवेल कर सकते हैं इसके अलावा इस कार्ड में आपको क्लब विस्तारा की सिल्वर टीयर मेंबरशिप और ट्राइडेंट होटल्स की रेड टीयर मेंबरशिप भी मिलती है ट्राइडेंट होटल्स की मेंबरशिप के थ्रू आपको कुछ स्टे और डाइनिंग में डिस्काउंट मिल जाते हैं वही क्लब विस्तारा सिल्वर मेंबरशिप में आपको वन क्लास अपग्रेड वाउचर मिलता है जिससे आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्लास को या प्रीमियम इकोनॉमिक टिकट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवा सकते हैं बाकी आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा बैगेज अलाउंस भी मिलते हैं तो ये हर सौ रूपए के खर्चे पर आपको दो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं आपको फ्यूल वॉलेट लोड ई एम आई ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा पर कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं साथ ही आपको कैश विद्रॉल में भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलते हैं इसके अलावा इस कार्ड में आपको डाइनिंग डिपार्टमेंटल स्टोर्स और ग्रोसरी स्टोर्स में 5x एक्स रिवार्ड पॉइंट यानी हर सौ रूपए के खर्चे पर दस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं साथ ही इस कार्ड पर कुछ स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन भी हैं जैसे कि इस कार्ड में एक साल में तीन लाख के खर्चे पर आपको दस हजार रिववार्ड पॉइंट मिलते हैं पांच लाख के खर्चे आरोप पंद्रह हजार मिलते हैं मतलब अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो एक साल में आठ लाख के खर्चे पर आपको टोटल पचास बोनस रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं तो ये थे इस कार्ड के स्पेंड बेस्ड बेनिफिट अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट रिटेमशन के बारे में तो इस कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करने पर आपको नाइन प्लस टैक्सेस की रिवॉर्ड फी लगती है और इन रिवॉर्ड पॉइंट की वैलिडिटी दो साल की होती है अब अगर ऑप्शन की बात करें तो आप इन रिवॉर्ड पॉइंट को ब्रांड वाउचर्स प्रोडक्ट कैटेलॉग और स्टेटमेंट क्रेडिट के अगेंस्ट रिडीम कर सकते हैं कैटेग पर आपको पर पॉइंट पैसे की वैल्यू मिलती है और स्टेटमेंट क्रेडिट पर भी आपको ट्वेंटी पैसे पर पॉइंट की वैल्यू मिलती है तो ये थे इस कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट हमने इस वीडियो में इस कार्ड के नॉन स्पेंड बेनिफिट्स और स्पेंड बेनिफिट दोनों के बारे में आपको अच्छे से बताया है तो आई होप आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर आप अपने लिए एक बेस्ट प्रीमियम कार्ड चूज करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथ ही आपको वहाँ पे एस के क्रेडिट कार्ड भी मिल जाएंगे तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन से लिंक को जरूर चेक करें लिंक आपको हमारे पिंड कॉमेंट्स में भी मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड से जुड़ी और वीडियो के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू